करोड़ों लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने वाले कॉमेडी किंग कपिल शर्मा से फैंस खफा हैं और ट्विटर पे द कपिल शर्मा शो को जमकर ट्रोल किया जा रहा है। लोग कपिल शर्मा के शो को बायकॉट करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स ट्रेलर आने के बाद से ही चर्चा में बनी हुई है। फिल्म कश्मीरी पंडितों के संघर्ष को दिखाती है, जब एक फैन ने विवेक अग्निहोत्री से कहा कि उनको अपनी फिल्म द कपिल शर्मा शो पर प्रमोट करना चाहिए, तो उन्होंने जवाब में लिखा था कि कपिल शर्मा के शो पर कौन आ सकता है, इस बात का फैसला मैं नहीं कर सकता। इसके बाद से मामला बढ़ता चला गया। विवेक अग्निहोत्री ने फैन के कमेंट का जवाब देते हुए कहा कि कपिल शर्मा के शो पर कौन जाएगा, इसका फैसला कपिल और प्रोड्यूसर करते हैं। हमारी फिल्म में कोई बड़ा सितारा नहीं है, शायद इसलिए प्रमोशन करने से इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा कि मैं यहां अमिताभ बच्चन को कोट करना चाहूंगा कि यहां वो राजा हैं। हम रंग विवेक अग्निहोत्री के दावे के बाद से सोशल मीडिया पर कपिल शर्मा का जमकर विरोध हो रहा है। कॉमेडियन कपिल शर्मा को ट्विटर पर ट्रोल किया जा रहा है। इतना ही नहीं, शो को बायकॉट करने की मांग भी यूजर कर रहे हैं। एक बेहद ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाती इस फिल्म को प्रमोट नहीं करना कुछ लोगों को गुस्सा दिला गया, जिस वजह से कपिल को ट्रोल किया जा रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने ये भी कहा कि बॉलीवुड में नॉन स्टारर डायरेक्टर राइटर्स और अच्छे एक्टर्स को बाकियों की तरह सम्मान नहीं दिया जाता है। आपको बता दें कि द कश्मीर फाइल्स कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आधारित है। इस फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी और दर्शन कुमार मुख्य भूमिका में शामिल हैं। तो दोस्तों, द कश्मीर फाइल्स फिल्म का प्रमोशन द कपिल शर्मा शो में किया जाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।